कर रखा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ ये लगे पड़े हैं, मैंने बोला यार हद हो गई है इसने। मेरी दाल मखनी हो चुकी है रेडी एंड मैं हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं करती हूँ आप सभी लोगों का स्वागत फिर से अपने YouTube चैनल पे। एंड गाइस आज है संडे और आप लोग खुशी देख सकते हैं मेरे चेहरे पे, और मैंने नहा धो के बस रेडी हो ही चुकी हूँ मैं। अब मैं बनाती हूँ नाश्ता और मेरा बाबू तो अभी तक सोया ही हुआ है। अच्छा ही हुआ वो सोया है, जरा हम लोग भी अपना काम कर लेते हैं, फिर उठेगा तो उसी का काम होता है। तो देखते हैं कि आज क्या क्या होता है पूरे दिन में, आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ, और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी 9:30 बजे से। 9:30 बज चुके हैं एंड चलो फटाफट से नाश्ता बनाते हैं। और नाश्ते में भी आज है कुछ स्पेशल, क्योंकि आज है संडे एंड मैक्रोनी बना रही हूँ मैं। एंड मैंने सोच रखा है कि लंच में भी मैं आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे भिगा दिया है उड़द, और उसमें थोड़े से राजमा मिलाए हैं। रात में याद ही नहीं रही, मतलब मेरे को याद रही रोटी वोटी बनाते समय, फिर मैंने सोचा कि यार खाना खा के हम लोग भिगा देंगे इसको। बट फिर जब मैं सोई तो मुझे मतलब 12 बजे 1 बजे याद आया होगा कि अरे यार दाल तो भिगाई नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह गर्म पानी में भिगा देंगे। तो मैंने सुबह उठ के गर्म पानी किया एंड उसमें भिगा दिया। अब देखते हैं दोबारा से और थोड़ा गर्म पानी डाल देती हूँ कितना भीगा है। तो आज मैं दाल मखनी बनाने वाली हूँ दिन में, सो आई एम सो एक्साइटेड। बहुत टाइम के बाद, मतलब मैंने खाया ही नहीं हो, कितना टाइम हो गया है। तो मैं सोची कि क्यों ना आज बनाया जाए और पतिदेव को भी खिलाया जाए। तो चलो। तो गाइस ये है मेरा दाल, और थोड़ा सा भीग भी गया यार ये इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने गर्म पानी डाला था और ढक के रख दिया था। तो चलो इसमें फिर से ढक्कन लगा देते हैं और अब हम लोग बनाते हैं पास्ता। अब मैं बना रही हूँ फटाफट से यहाँ पर। मेरा तो जस्ट बन रहा है अभी। अच्छा आलू का पराठा मीनू ने दे रखा है पराठा, उसने फर्स्ट टाइम बनाया का इसे, और काफी डिलीशियस लग रहे हैं। मतलब हर जगह आलू दिख रहा है मुझे काफी। चलो टेस्ट करो पतिदेव। पूजा नहीं करी है? ओके। अरे यार मेरा तो बन रहा है ना लेट ना, मतलब वो तेल डाला है मैंने, जल ना जाए ज्यादा वो। तो मैं बना रही हूँ पास्ता एंड फिर देंगे हम उनको भी, देंगे उनको भी देंगे। ये है पवन के लिए और ये है मीनू के लिए। पतिदेव पहले उनको दे दो यार फटाफट, ठंडा हो जाएगा तो क्या ही फायदा। अब मैं बनाती हूँ चाय। अपना बाबू भी हो चुका है रेडी और इसकी टावल यहाँ पर पड़े हुए हैं अभी। एंड मेरे प्यारे प्यारे बाबू से आप मिलिए, कितना प्याला प्याला लग रहा है ये। जय करो, प्रणाम बाबा। ये दे रहा है आप लोगों को शायद, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। प्रणाम तो करो, प्रणाम। मेरी गोद में तो बैठ जाओ यार, लल्लू कहेंगे। प्रणाम प्रणाम करो बाबा। यार ऐसा क्यों करता है यार, क्यों मेरी बेइज्जती कराता है यार ये। मैं जब बोलती इसे प्रणाम कर, क्यों नहीं बोलता यार ये। प्रणाम कर। इसका इतना ज्यादा काम हो रखा है ना, इतना काम हो रखा है ना इसका। नो जय करो। हाय गाइस बंदर।
हाय गाइस, हाय गाइस बोल, हाय गाइस बोल दे, प्रणाम। मैगी जैसे बाल हैं इसके। जय बोल दे, जय जय बाल। हाँ बाल। कान कहाँ है बाबू का? कान बाबू का कान का इधर है। कान कान, गुड बॉय। बाबू का नाक कहाँ है? नाक 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 नाक। बाबू का नाक किधर है? रुद्रा। नाक किधर है बाबू का? नोजी। बाबू का आंख कहाँ है? आंख देख रहे हो? ऐसा काम चल रहा है इसका, ये कहाँ बताएगा ये मेरे को पूरा। आंख किधर है बाबू का? आंख मेरे बाबू का आंख कहाँ है? मेरे बाबू का आंख कहाँ है? मेरे बाबू के हाथ किधर है? हाथ हाथ किधर है? हाथ हाथ। बाबा ढूंढने में उसे। अब आंख किधर है मेरे बाबू का? आंख नाक बता दे बस यार, नाकू बता दे। नाकू नाक किधर है मेरे बाबू का? नाक। ए मेरा बच्चा रुद्रा, ये है ले पकड़। नाक किधर है बाबू का? बाबा नाक कहाँ है आपका? नाक बाबू का नाक कहाँ है? नाक ऊपर देख। नाक किधर है बाबू का? गुड बॉय गुड बॉय। बाबू का आंख किधर है? आंख ये तो नाक है ना, आंख किधर है? आंख। बाबा आंख किधर है? आंख ये तो मुंह है ना। आंख किधर है मेरे बाबा का? बड़ा बड़ा आंख किधर है? क्या है आंख किधर है? रुद्रा यार इसका इतना काम क्यों होता है? आंख का है मेरे बाबू का? आंख क्या? एक बार और बोल दे। आप लोग सुनना ये कितना प्यार से। एक बार और बोल, क्या चाहिए? दुद्दू दुद्दू बोल दो। दुद्दू दुद्दू नहीं पीना, नहीं पीना दुद्दू, नहीं पीना दुद्दू। दुद्दू बोल दे फिर, कितना गंदा है, बोलता नहीं है। दुद्दू चलो फिर, चलो चलो। तो गाइस मैंने यहाँ पे दाल में थोड़ा सा नमक डाल दिया है एंड यहाँ पर दालचीनी का पत्ता डाल दिया। बड़ी इलायची थी नहीं मेरे पास, तो आप लोग इसमें डाल सकते हैं अगर कोई बनाना चाहे तो। एंड मैंने यहाँ पर हल्की आंच में रख दिया है, 4-5 सीटी आने दूंगी, देन उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें तड़का मारेंगे, खूब मज़ा आएगा। तो आप लोग बने रहें एंड देखें मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। इसके पापा ने ना इसके लिए डंडा बनाया, क्योंकि ये बोलता है डंडा डंडा डंडा, इसको डंडा बहुत पसंद है। ठीक है इसकी करतूत देखो जरा, ध्यान लगा इसका, बहुत ध्यान लगा है। ये पूरा तोड़ने के लिए ध्यान लगा है इसका। आई से देखो इसके पापा इसको प्यार कर रहे हैं, क्योंकि मतलब मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, इसने जो काम कर रखा है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और यहाँ ये लगे पड़े हैं। मैंने बोला यार हद हो गई है, इसने शैतानी करी है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है जो इसको इतना ज्यादा प्यार कर रहे हो आप। वैसे ही आज पानी नहीं आ रखा है, पानी नहीं आ रखा है। ठीक है पानी सुबह सुबह, पता नहीं आजकल इवनिंग में आ रहा है पानी। तो इसने क्या किया, जो लकड़ी में दिखा रही थी ना इसके पापा ने बनाया था, तो यहाँ पे पानी का वो था, बाल्टी था, तो उसने घुमा घुमा के और डस्ट पैन उसमें डाल दिया पूरा खत्म। बाथरूम में जब नहा रहे थे इसको, आधी बाल्टी पानी में पूछा का कपड़ा खत्म, एक बाल्टी पानी वेस्ट करके डंडा पूरा तोड़ दिया इसने, जो इसके पापा ने बना रखा था इसके लिए। इसके सबूत यहाँ पे पड़े हुए हैं, अभी दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए सबूत ये, अब इसके पापा यहाँ पर इसको उठा रहे हैं बहुत मजे से, इसको प्यार करके। कैसा लग रहा है आपको? आपकी बेटी ने इतनी शैतानी करी है, आपके चेहरे पे तो बहुत मुस्कुराहट है। ए डॉन भाई ने अपने ये बाजू क्या बोलते हैं बटन क्यों खोले रे? खोला क्यों खोला बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है आपको? गुस्सा नहीं आ रहा? ये इसको उठा दो, वहां से उठा के ला। सो गाइस
12:30 बज चुके हैं एंड मैंने दाल तो रख दिया था, अब फटाफट से मैं बनाती हूँ। वैसे इसकी दाल बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ मसाला कुछ चाहिए नहीं, बस नॉर्मल तड़का लगाना होता है हमको, प्याज टमाटर गार्लिक और लहसुन का, एंड उसके बाद बस दाल डाल दो एंड उसका टेस्ट ही इतना मज़ेदार होता है दाल का, तो कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जल्दी जल्दी से चलो बनाते हैं फटाफट। आओ, इसके पापा यहाँ पर खुश हो चुके हैं क्योंकि ये सफाई कर रहा है, यहाँ पर है। काम तो मेरा बाबू बहुत करता है यार आजकल, खाना खाने के बाद सारे बर्तन किचन में रख के आता है एंड यहाँ पे देखो कितना सफाई कर रहा है यार, मुझे कितना अच्छा लगता है। आहा, गुड बॉय, बहुत काम करने लग गया यार ये, क्या बात है क्या बात है। पापा इसके डबल खुश हो चुके हैं अब क्योंकि इनका बेटा काम करने वाला हो गया है अब। जाओ आर्मी मैन, जाओ जल्दी से काम करो। वाह वाह वाह, उठा भी सारा रहा है, अरे मेरा बच्चा एक नहीं छोड़ेगा, इतना तो मुझे भरोसा है इस पे, सफाई बहुत अच्छे से करता है यार ये। ओ बाबरे ओ बाबरे, पापा को दे दो, वाह वाह वाह, कतई काम करने लग गया ये तो। लगे रहो बच्चा, हम भी लग जाते हैं अपने काम में। सो गाइस 1:30 बज गए हैं एंड मेरी दाल मखनी हो चुकी है रेडी एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बस उसमें लास्ट मेरे को घी डालना है, बाकी मक्खन वगैरह क्रीम वगैरह हम कुछ लेकर नहीं आए और मक्खन अभी है भी नहीं, तो मैं डालती हूँ घी और दिखाती हूँ आप लोगों को। यम्मी यम्मी, मलाई की तरह लग रहा है, मलाई।